हिंद गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल हम स्कूल में जा रहे हैं, मेरे साथ यशराज है और हमारा स्कूल का पहला दिन है, मतलब कोरोना के बाद का पहला दिन। हम तब से स्कूल ही नहीं गए, सिर्फ क्लास किए और ट्वेल्थ दी। तो फिलहाल चलते हैं, स्कूल में जा रहे हैं और ये भी अपने स्कूल में जा रहा है। सो गाइस, हम स्कूल में जाने से पहले अपने दोस्त के घर पे आए थे, उसको पूछने वो चलता है कि नहीं। सो उसका घर का काम चल रहा है, अभी स्लैब डाला है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं आप, ये बाम्बू लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये लकड़ियाँ लगाई हुई है और एकदम बढ़िया घर तैयार है यहाँ पे। सो फिलहाल यहाँ से जाते हैं स्कूल में। गाइस, स्कूल के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ एक दोस्त को मिलने आए थे, तो वो घर पे गया हुआ है, मतलब यहाँ आके हमने फ़ोन किया और वो घर पे है। सो देखो यहाँ पे, ये एकदम बढ़िया एरिया है यहाँ पे, ये देखो कितना ऊंचा किया हुआ है लटकने के लिए ये। और ये यहाँ पे अलग अलग तरह के बार्स लगाए हुए हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, लटकते हैं और एकदम बढ़िया कसरत होती है यार यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ का एरिया तो हमने देख लिया है। तो हमारे साथ में पहले यशराज दादा आए थे, तो अभी ये अर्पित दादा भी है, मतलब ये हमारे से पहले आए थे, इसका लेक्चर पहले था इसलिए। तो ये हमारे साथ में है गाड़ी पे, तो हम तीनों चलते हैं यहाँ से घर पे। One eternity later. So guys, today is 21st August and मैं अपने खेत में आया हुआ हूँ। रोज ही आना पड़ता है, 6:30 बजे है, क्योंकि यहाँ पे बंदर है और हमारी कपास की जो कैरिया लगी हुई है उसे वो खाते हैं। अगर आप यहाँ पे हाजिर नहीं तो वो उसमें घुस जाते हैं और मतलब बहुत सारा खा लेते हैं यार। तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ता है, रोज़ आना पड़ता है। मैं अगर स्कूल में जाऊँ तो मेरे बाबा को आना पड़ता है, वो रुकते हैं। तो जब तक ये बंदर रहेंगे तब तक यहीं पे रखवाली रहना पड़ता है यार। गाइस, ये घास है जो जानवरों के लिए लगाई हुई है यहाँ पे। और गाइस, ये है अपनी पराठी जिसे हिंदी में कपास कहते हैं। तो फिलहाल इसको कैरिया ही लगी हुई है, कपास आएंगी 1 महीने के बाद तकरीबन। तो देखो ये ऐसी रहती है, आप अगर किसान है तो आपने तो दिखी होंगी। और गाइस, यहाँ पे एक सनफ्लावर जिसे हम सूर्यफूल कहते हैं, एक ही लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो, ये बहुत बढ़िया दिखता है। और अभी तो इसका मुंह नीचे है क्योंकि सूरज अभी उगा नहीं, मतलब बादल है, उग चुका है सूरज पर बादलों के कारण ऊपर नहीं आया, मतलब दिख नहीं रहा है, तो इसका मुंह नीचे है। सो गाइस, यहाँ पे रहते हैं हमारे सभी जानवर, वहाँ पे भी बांधते हैं। तो ये है कुटार की खोली जिसमें उनके खाने के लिए कुटार रखा हुआ होता है। तो देखो ये अंदर से कैसी दिखती है। यहाँ पे नींबू का पेड़ है जिसे देखो आप, नींबू लगे हुए हैं। और यह है हमारा कुआं जिसमें पानी रहता है, आपको तो पता ही है कुएं में तो पानी ही रहता है, पर इसका पानी ख़राब हुआ हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है, मतलब बारिश चल रही है अब, फिलहाल तो नहीं है 2-3 दिनों से, पर
यहाँ का पानी एकदम ख़राब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम गोबर डालते हैं और उसका पानी ज़मीन से जाकर कुएं में जाता है, इसलिए बारिश के कारण यहाँ का पानी वहाँ पे जाने के कारण वो थोड़ा ख़राब दिख रहा है। तो गाइज़ ये है हमारा खेत और ये हमारे पड़ोसी का खेत। तो बंदर फिलहाल उस पेड़ पे है, मतलब कल रात आया था मैं तो। गाइज़ यहाँ पे भी एक सनफ्लावर उगा हुआ है जो कि छोटा है हमारे से, मतलब हमारे खेत में जो है उससे छोटा है। तो आप देखो ये भी एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम छोटा सा, पर उसका इसका मुँह ऊपर है यार, उसका देखो नीचे था पर इसका ऊपर है, तो बहुत बढ़िया है। ये गणपति आ रहे हैं तो ये है हरा, जो कि इसी सीज़न में आते हैं गणपति बैठते हैं, तो आप तो जानते होंगे इसे। गाइज ये है सोयाबीन, आपने तो देखा ही होगा। चलो वहाँ पे जाते हैं, मैं आपको बंदर दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आपको दिखता है क्या, देखो ये बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं जब भी उसकी तरफ सेल्फी स्टिक करता हूँ तो भाग जाता है, छुप जाता है, जैसे मैं बंदूक धर के रखा हूँ उसकी तरफ। गाइज इस पेड़ में भी घुसे हुए वो, यार नीचे से देखने पर मुझे भी नहीं दिख रहे, आपको दिखते हैं क्या, देखो इससे बहुत घना है यार ये, इससे तो कुछ भी नहीं दिखता और बंदर इसमें छुप के बैठते हैं। सो गाइस फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।